और मैं अभी जा रहे हैं, कहाँ छुपी जा रही हो? इकरा और मैं अभी कहाँ जा रहे हैं? केक लेने पापा के बर्थडे के लिए, और पॉपर बैलून ये सब लेने, ठीक है? हाँ। तो चलो चलते हैं, वहाँ जाके वीडियो शूट करेंगे। ये पॉपर भी लेने हैं, कौन सा वाला लूँ? ये ले लूँ, सोच रहा हूँ दो। हाँ, ये वाला ले लेते हैं, नया भी लग रहा है। हाँ देखिए देखते हैं अभी सब। ये बर्थडे गर्ल, ओ उठाना है करो, बर्थडे बॉय का देखो इसमें कोई। पिंक कलर, ये इसमें गोल्डन देखना है बर्थडे बॉय में। हाँ ये सही लगेगा ना, ये वैसे और क्या लेना था? बैलून ब्लैक गोल्डन देते हैं ना, वो निकाल के देंगे अभी, वो हमें नहीं खाते। हमारे मोमोज ठंडे हो रहे हैं। नहीं नहीं आप गिरा, आपसे गिर जाएगा केक। नहीं गिराओगे नहीं, पीछे ना हिलेगी स्कूटी तो खराब हो जाएगा। ओ इकरा आराम से बैठ गई। हाँ। इकरा गिफ्ट रैप करने के लिए वो ले लिया, एक ग्रीन एक पिंक और एक उल्टा चढ़ा लेंगे सिल्वर। हाँ ठीक है ठीक है। और मैं इसलिए नहीं उतरा क्योंकि आगे केक रखा है, ये खराब हो जाएगा। मेरी हेल्प करने के लिए एक रायान दोनों, उस दिन मुझे अकेले इतने 50 बैलून्स अकेले मैंने फुलाए थे, और आज ये देखो आज मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ रहा आज। ये इकरा आप क्या कर रही हो? मैं गिफ्ट रैप कर रही। हाँ इकरा गिफ्ट रैप कर रही है, और ये अयान ये मस्ती कर रहा है। अयान ओ इकरा ये मस्ती कर रहा है, कर रहा है कर रहा है। तो ये बैलून्स 50 के 50 बैलून्स दोनों मिलके फुलाओगे, ठीक है? चलो बैठ के कर लो यार ढंग से, चलो चलो चलो। तो उस दिन मम्मा का बर्थडे था, तो मैंने लिया था पर्पल और पिंक बैलून। आज पापा का है तो मैंने लिया गोल्डन और ब्लैक, और मैंने वो भी लिया, उसे क्या बोलते हैं वो जो बर्थडे बॉय वाला होता है, क्या बोलते हैं पता है? मेरे को तो नहीं पता, वो जो साइड में ऐसे पहनते हैं, वो भी मैंने गोल्डन और ब्लैक ही लिया है। हाँ हाँ हाँ। तो ये इकरा गिफ्ट पैक कर रही है, उधर अयान बैलून फुला रहा है, और मैं क्या कर रहा हूँ मेरा आप बता दो। मैंने आपको बता दिया खाना पका रही है। हाँ तो खाने तो खाने में आज मैं बना रहा हूँ बटर चिकन, तो इसलिए मुझे ये सब करने का टाइम नहीं है। वैसे बनने वाला बटर चिकन आधा घंटा और अभी हो रहे हैं 9:30, 10 बजे तक मेरा किचन का काम हो जाएगा, फिर साथ में मैं भी इनकी हेल्प कर दूंगा। तो बस चलते हैं, मैं जा रहा हूँ, ठीक है दोनों बाय, कर लो काम, बाय यान। हाँ अरे अभी व्लॉग में वो भी तो बताना है, पप्पा को जो सरप्राइज देना है। कौन बताएगा दोनों में से? आप बताओ। अयान बताना, ये इस बार इतना बोल नहीं रहा व्लॉग में, तो ये बैलून इतने तो हो गए, कितने हो गए होंगे? मेरे हिसाब से 30 लग रहे हैं, 30-25-30। इस बार मेरे को लग रहा है कम बैलून दिए, पिछली बार बेड पूरा भर गया था। ये 40 हाँ हो गए होंगे, और ये ग्रीन पे रेड, सिल्वर पे पिंक, पिंक पे ब्लू। हाँ सही है, मेरे हिसाब से सिल्वर पे ये, इस पे पिंक नहीं, सही है। हाँ हाँ सही है।
ये इकरा ने पैक कर दिया है और इसे देखो टाइम पास कर रहा। टाइम पास नहीं करता। क्या कर रहे? बैलून इकरा की हेल्प। अच्छा इतने सारे बैलून फूल गए। अब इस कमरे से उस कमरे में उठा के आप लेके जाओगे यार? नहीं हाँ। कुछ नहीं कर रहे और ये भी नहीं करोगे? मैंने किया हूँ, मैं थक गया अभी, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। क्या कर रहे हो बताना? मैंने इतने सारे बैलून बुलाया। इकरा तो खाली बैठी है, उसने तो कुछ करा ही नहीं। आपने खाली ये तीन रात की है। ये देखो नीता अपनी फुला नहीं पा रहे। इस बार मैं टाइम लैप्स नहीं बना पाया क्योंकि इकरा यान कर रहे थे। पिछली बार आया ना, आपने देखा था मेरे ब्लॉग में टाइम लैप्स? हाँ देखा था। हाँ तो इस बार वो नहीं हो पाया क्योंकि ये दोनों कर रहे थे और मैं था किचन में। ओके बाय। बैलून सारे हो गए हैं रेडी और ये सारे गिफ्ट भी इकरा ने पैक कर दिए, तो अभी बस वेट है 12 बजेंगे। उसके बाद हम ये सब सेलिब्रेशन करेंगे और पापा का बर्थडे है 30th September और ये ब्लॉग शायद मेरा लेट हो जाए तो इसलिए मैंने डेट बता दिया 29 है। तो हम बर्थडे ब्रिंग इन में सेलिब्रेशन कर लेते हैं, मतलब बर्थडे ब्रिंग इन सेलिब्रेशन करते हैं हम। और इस बार बर्थडे में ये इकरा या नाव मामी ये सब भी हैं। और हाँ मुझे आप लोगों को बताना था, वो क्या बताना था कि पापा को एक सरप्राइज दे रहे हैं मामा, वो क्या है अभी बताते हैं। बताना था कि मामा की जो टिकट थी वो कैसे थी, जैसे 29 है तो इसकी रात को निकल जाना था, मतलब जो 30 अभी डेट लगेगी ना उसकी सुबह सुबह जैसे 2 बजे निकलते और 4 बजे की ट्रेन थी, मतलब 30 तारीख की 4 बजे की ट्रेन थी, तो बात तो वहीं पड़ी कि 29 की रात के 2 बजे निकलेंगे मामा घर से। तो ये था कि बर्थडे ब्रिंग इन सेलिब्रेशन कर लेंगे उसके बाद चले जाएंगे। और जब मामा की टिकट हुई थी तब से ही पापा ये बोल रहे थे कि मेरा बर्थडे था और जा रहा है, मेरा बर्थडे था और मेरे बर्थडे वाले दिन नहीं रुक रहे। और 10 सितंबर को लेट आए, मम्मा का बर्थडे नहीं बनाया और अब मेरे बर्थडे से एक दिन पहले ही जा रहे हैं, बर्थडे वाले दिन ही जा रहे हैं, मतलब दिन का जो पूरा दिन था मेन वो नहीं रहेगा। तो टिकट कंफर्म थी, सब कुछ था सब कुछ तो, लेकिन बिग भी पीछे पड़े हुए थे मामा के कि मामा के टिकट कैंसिल करा लो, इस बार पता नहीं लगा एक हफ्ता कब निकल गया, इस वजह से मामा ने बिग भी इतना पीछे पड़े कि लास्ट में पीछे पड़ के टिकट कैंसिल करवा ही दिए। तो वो टिकट हो गई कैंसिल, अब अगली टिकट होगी 1 तारीख की होगी ना शायद। हाँ टिकट बुक नहीं हुआ। हाँ तो यही हुआ था शायद कि 1 तारीख की अब टिकट कराएंगे तो 2 को पहुंचेंगे या 2 को ही कराएंगे 3 को पहुंचेंगे ऐसे ही कुछ है, ये 1 या 2 को अब जाएंगे। वैसे 29 की रात को जाना था, मतलब 30 की सुबह सुबह, अब 1 या 2 को जाएंगे तो 2-3 दिन अब और मिल चुके हैं हमें। और बस अब आगे आप लोग देखना ब्लॉग में क्या होता है। और इससे नेक्स्ट ब्लॉग में मैं सोच रही हूँ वो करूँ, ऐसे करूँ जैसे फूफू के बर्थडे पे करा था, मम्मा के बर्थडे पे नहीं देखा था। ये देखो हमारे घर के लोग मेरा व्लॉग नहीं देख रहे। तो चलो ये व्लॉग मैं यहीं पर ही एंड करती हूँ, ये डेकोरेशन हो चुकी है, इसके आगे जो सेलिब्रेशन होगा वो आप नेक्स्ट व्लॉग में देखना। और घर पीछे ये इतना इसलिए फैला हुआ है क्योंकि इस कमरे में हम लोग रहते हैं। हाँ तो ये पूरा कमरा बहुत फैला हुआ, ये देखो हाल। तो बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल एंड, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन। तो स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट बर्थडे ब्रिंग इन सेलिब्रेशन व्लॉग। स्टे ट्यून्ड, बाय 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 बाय।